हाय फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं बैलेंस डाइट शुड कंटेन टवेल्व परसेंट ऑफ प्रोटीन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फैट्स एंड सिक्सटी थ्री परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इफ अ चाइल्ड नीड्स ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरीज इन हिज फूड डेली तो फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ इच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इंटैक्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैलेंस डाइट है मीन बेटर डाइट है एक बैलेंस डाइट में ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट एंड सिक्सटी थ्री परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें जरूरी होनी चाहिए उसमें कंटेन होनी चाहिए मतलब उसमें होनी चाहिए मतलब एक बैलेंस डाइट में ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन का ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट का और सिक्सटी थ्री परसेंट कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी है ठीक है यदि जो है एक बच्चे को अपने फूड में अपने फूड में डेली जो उसे ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी की आवश्यकता होती है तो आपको बताना है जो एक बैलेंस डाइट में जो आपको ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन है ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट्स है और सिक्सटी थ्री परसेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स है उसे कितना अमाउंट ऑफ अमाउंट मिलेगा आपको कैलोरी बताना कितना अमाउंट जो है प्रोटीन से मिलेगा कितना अमाउंट जो है आपका कितना अमाउंट कैलोरी जो है फैट से मिलेगा कितना अमाउंट कैलोरी जो है आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा ठीक है तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो है ए क्या एक चार्ट है मान लेते हैं बैलेंस डाइट है ठीक है बैलेंस डाइट इसमें जो है आपका बैलेंस डाइट में क्या क्या होना बहुत जरूरी है ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन का ट्वेल्व परसेंट का उसके बाद ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट्स का और जो है तुम्हारा सिक्सटी थ्री परसेंट कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का ठीक है तो कह रहा है कि आपको प्रोटीन से अगर एक बेटर डाइट में एक बैलेंस डाइट में ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन का हो आवश्यकता है होनी चाहिए उतना होनी चाहिए तो यदि बच्चे यदि बच्चे को ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी की आवश्यकता हमेशा उसे आवश्यकता होनी चाहिए मतलब उसकी होनी चाहिए उतना ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी जो सब उसे डेली उसके फूड से उसे मिलनी चाहिए तो प्रोटीन से कितना कैलोरी मिलेगा फैट से कितना मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा इसके वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना ठीक है देखो अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो आपका प्रोटीन तो देखो टोटल कैलोरी तो आपका ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है कि बच्चों को ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी डेली चाहिए ठीक है तो इस 2600 का 12%, मतलब 12 प्रोटीन से कितना कैलोरी मिलेगा ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तो टो टोटल कैलोरी है और ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट जो कैलोरी है वह तुम्हारा किससे मिलेगा प्रोटीन से मिलेगा ठीक है तो देखो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इंटू टवेल्व बाई परसेंटेज को बाई हंड्रेड ठीक है तो आपका ये जीरो और ये ज़ीरो बहुत ज़ीरो आर कैंसल्ड तो आपका कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्व मीन्स जब ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थ्री हंड्रेड ट्वेल्व आएगा मीन्स इतना कैलोरी देखो जो एक बच्चे को डेली टू हंड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी की आवश्यकता है तो उसे मिल जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेल्व कैलोरी जो है प्रोटीन से मिल जाएगा ठीक है अब देखते हैं फैट से कितना मिलता है ठीक है अमाउंट ऑफ फैट्स तो देखो टोटल आपका कितना है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है इसका जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट मतलब टोटल कैलोरी है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड और ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी का ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वह कैलोरी जो फैट से मिल जाएगा मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट जो कैलोरी जो है वो फैट से मिल जाएगा तो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होगा तो आपका ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ठीक है तो मीन्स ए ज़ीरो ए ज़ीरो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और आपका हुआ ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव ठीक है जब आप ट्वेंटी सिक्स इंट ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा सिक्स फिफ्टी आएगा ठीक है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है सिक्स फिफ्टी आएगा ठीक है सिक्स फिफ्टी कैलोरी आएगा ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलेगा वो भी देख लेता हूं अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है ठीक है टोटल कैलोरी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है ठीक है टोटल कैलोरी जो है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी की सकता है ठीक है लेकिन जो है सिक्सटी थ्री परसेंट कैलोरी सिक्सटी थ्री परसेंट कैलोरी जो है सिर्फ किससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा सिक्सटी थ्री परसेंट इसका मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इंटू सिक्सटी थ्री बाई हंड्रेड ये जो जीरो चीज कैंसिल हो गया मीन्स आपका ट्वेंटी सिक्स इंटू सिक्सटी थ्री जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा मीन्स सिक्सटीन थर्टी एट कैलोरी होगा ठीक है तो आप क्वेश्चन के बराबर समझो ठीक है देखो एक बैलेंस डाइट में उसे ट्वेल्व परसेंट का प्रोटीन की आवश्यकता है ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट्स की और सिक्सटी थ्री परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स की ठीक है तो एक बच्चे को एक बच्चे को जो एक बच्चे को यदि एक बच्चे को ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी जो है उसके फूड में डेली सकता है उसे ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरी डेली सकता है ठीक है तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन है उससे कितना उसे कैलोरी मिलेगा और फैट से कितना कैलोरी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलेगा ठीक है तो देखो तो अगर बच्चा को उस बच्चे को ट्वेल्व परसेंट जो है बैलेंस डाइट दिया जाता है तो ट्वेल्व परसेंट वो प्रोटीन लेता है ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट लेता है और सिक्स थ्री परसेंट क्या लेता है कार्बोहाइड्रेट लेता है तो जो ट्वेल्व परसेंट प्रोटीन से उसे कितना कैलोरी मिल रहा है तो उसको मिल रहा है थ्री हंड्रेड ट्वेल्व कैलोरी मिल रहा है और जो होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट से उसके सिक्स हंड्रेड फिफ्टी कैलोरी मिल रहा है और वहीं जो है कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिल रहा है उसको सिक्स सिक्सटीन थर्टी एट मिल रहा है जब टोटल को आप सिक्सटीन थर्टी एट को और सिक्स फिफ्टी को एंड थ्री ट्वेल्व को जब ऐड करोगे तो आपका इक्वल कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड की इक्वल आएगा क्योंकि एक बच्चे को ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कैलोरीज होता है डेली उसके फूड में आवश्यकता होती है ठीक है तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों के थैंक यू फ्रेंड्स